प्यारे बच्चों, तुहानू याद है कल आपां कागज़ दीआं पट्टियां दी मदद नाल पौड़ी प्रणाली विधि द्वारा 8 दा पहाड़ा सिखिया सी। अज भी आपां इसे पौड़ी प्रणाली दी मदद दे नाल अते कुछ फुल्लां दी मदद दे नाल गुणा दे गुण सिखांगे। बच्चों, तुहानू याद है कि जदों आपां इन्हां 8 खड़वियां पट्टियां दे उपर एक लेटवीं पट्टी रखी सी तां साडे कोल जिथे जिथे ये पट्टी आपस में एक दूसरे नूं कट रही सी उत्थे सानू किन्ने काट बिंदू प्राप्त होए सन? सानू इत्थे 8 काट बिंदू प्राप्त होए सन। इसका मतलब की सी? इसका मतलब 8 × 1 = 8। प्यारे बच्चो, हुण एक होर उदाहरण नाल देखते हाँ। इत्थे अपने कोल 1, 2, 3, 4 गमले हैं अते हरेक गमले दे विच साडे कोल एक एक फुल लग्या होया है। इसका मतलब की है? इसका मतलब है 4 × 1 = 4। किसी भी संख्या नू 1 नाल गुणा करन ते ओही संख्या प्राप्त हुंदी है। जिस प्रकार इत्थे आपां जदों 4 नू 1 नाल गुणा किता तां सानू उत्तर भी 4 प्राप्त होया। संख्या भावें जिड्डी मर्जी वड्डी होवे जदों असीं उसनू 1 नाल गुणा करदे हाँ तां साडे कोल उत्तर ओही संख्या प्राप्त हुंदी है। जिस तरह इत्थे साडे कोल हुण 2 अंकां वाली संख्या 53 है। 53 नू जदों असीं 1 नाल गुणा करांगे तां उत्तर किन्ना आवेगा? शाबाश, साडे कोल 53 उत्तर आवेगा। अते हुण असीं एक होर संख्या रख रहे हाँ, साडे कोल इत्थे किन्ना है? 139। 139 नू जदों 1 नाल गुणा करांगे तां साडे कोल उत्तर भी 139 आवेगा। जेकर मैं हुण इस पट्टी नू इत्थों हटा देवां बच्चों तां हुण की होया? देखो, अपने कोल जिहड़ियां इह खड़वियां 8 पट्टियां हन इन्हां उपर हुण एक भी लेटवीं पट्टी नहीं है। इसका मतलब यह है कि साडे कोल हुण इत्थे 0 लेटवीं पट्टी है। 8 × 0 = 0, क्योंकि साडे कोल हुण एक भी काट बिंदू नहीं है। चारों गमलियां दे फुल मैं काट ले तां हुण साडे कोल इन्हां गमलियां दे विच किन्ने फुल हन? गमलियां विच हुण कोई भी फुल नहीं है। चारों दे चारों गमले पूरी तरह नाल खाली हन। इसका मतलब की है? 4 × 0 = किन्ने फुल हन? कोई नहीं। इसका मतलब उत्तर की है? 0। किसी भी संख्या नू 0 नाल गुणा करन ते सानू उत्तर भी 0 प्राप्त हुंदा है। हुण एक होर संख्या दी मदद नाल देखते हाँ। साडे कोल इत्थे है 82। 82 × 0 = की होवेगा? 0। इसका मतलब संख्या जिन्नी मर्जी वड्डी होवे बच्चियो, जेकर आपां 0 नाल उसनू गुणा करांगे तां सानू उत्तर 0 ही प्राप्त होवेगा। बच्चों, इस पासे अपने कोल 4 खड़वियां कागज़ दियां पट्टियां हन अते दूसरे पासे अपने कोल 2 खड़वियां कागज़ दियां पट्टियां हन। बच्चों, इन्हां 4 खड़वियां पट्टियां दे उपर मैं 1, 2 लेटवियां पट्टियां रख दित्तियां। इन्हां 2 लेटवियां पट्टियां नूं रखण ते ये 4 खड़वियां पट्टियां नूं दोनों पट्टियां ने जिस जिस जगह ते आपस विच कटिया है भाव मिल रही हैं उत्थे साडे कोल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काट बिंदू हैं। इसका मतलब है 4 × 2 = 8। बच्चों, इस पासे दियां दोवें खड़वियां पट्टियां दे उपर मैं 1 लेठवीं पट्टी, फिर दूसरी लेठवीं पट्टी, तीजी लेठवीं पट्टी अते फिर चौथी लेठवीं पट्टी रख दित्ती। हुण साडे कोल 2 खड़वियां पट्टियां दे उपर 4 लेठवियां पट्टियां आपस विच जिन्हां थावां ते मिल रही हैं उत्थे साडे कोल किन्ने काट बिंदू हैं? वेरी गुड, साडे कोल 8 काट बिंदू हैं। इसका मतलब 2 × 4 = 8। बच्चो, गुणा दियां रकमां दी तरतीब बदलन दे नाल गुणनफल विच कोई फर्क नहीं पैंदा। जिस तरह इत्थे 4 नूं आपां 2 नाल गुणा किता तां साडे कोल 8 आया, 2 नूं 4 नाल गुणा किता तां
भी उत्तर 8 आया। 4 गुणा 2 बराबर होवेगा 2 गुणा 4। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपां नूं गुणा दे गुण पता चल गए। प्यारे बच्चों, हुण वारी है घर दे कम दी। घर दे कम विच तुसीं पन्ना नंबर 26 ते दूसरा सवाल खाली स्थान भरो दा सी भाग 139 गुणा 1 बराबर की आवेगा, इसका उत्तर लिखना है। बच्चों, ये संख्या आपां कर चुके हाँ। डी भाग 625 गुणा 0 बराबर उत्तर की आवेगा, इसका तुसी जवाब इस खाली स्थान विच भरना है। अज आपां गुणा दे जेड़े गुण सीखे हन उन्हां नूं ध्यान विच रखना है। धन्यवाद।